नमस्ते, मेरा नाम दिया सिंह है और ये मेरा इंडस्ट्री के लिए नाम है। वैसे मेरा नाम दीक्षा कुशवाहा है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि जो मेरे साथ हुआ, जो वीडियो दिखा रहे हैं वो एडिट वीडियो है और वो बहुत गलत तरीके से यूज़ किया है। पहली बात तो किसी भी, अगर ऐसा किसी के साथ होता भी है तो वो आइडेंटिटी नहीं देते हैं, और मेरे साथ तो ये फंसाया गया। वहाँ पे लोग शूट के लिए लड़कियों को बुलाते हैं और प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग करने के बहाने वो लोग पैसे ऐंठने के लिए ये सारे काम करते हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ कोई भी लड़की जाए तो प्लीज़ सोच समझ के जाए, मेरी तरह तो नहीं चली जाए। और मैंने जो फेस किया 2 महीने में, मैं नहीं चाहती कि मेरे किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा हो। अभी तो फिलहाल मेरा सारा केस ख़त्म हो गया है और जज ने मुझे क्लीन चिट दे दिया है, इसके लिए मैं आप सबके सामने हूँ। और ये पूरा मामला भी रफा दफा हो गया है, सब कुछ ख़त्म हो चुका। पुलिस ने भी मेरे को क्लीन चिट दे दिया, उन्हें भी पता चला कि मैं इनोसेंट हूँ, इसके लिए मुझे बाइज़्ज़त बरी किया। हैदराबाद में क्या कुछ हुआ था आपके साथ? हैदराबाद में आपको मैंने बताया अभी कि जो एक सेक्स रैकेट का नाम होता है ना, वो लिखना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी लड़की के ज़िंदगी के साथ जब जुड़ता है ना तो उनकी लाइफ ख़राब हो जाती, स्पॉइल हो जाती है। मैं वही कहती हूँ कि जब मेरे को यहाँ से बुलाया गया, मेरे को बोला गया कि मैम एक मूवी है, एक शूट है और आप आएंगे कि हमें आपका जो एग्रीमेंट होता है हमारी मूवीज़ में और एक लुक टेस्ट होता है कि हमें वो आपके लुक टेस्ट और मूवीज़ के लिए आपको बुलाना है। मैं वहाँ पे गई लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वहाँ पे ये सब इन लोगों ने कांड करे। किसी और को सबक सिखाने के लिए, किसी और का स्कैम करने के लिए ये लोग यहाँ से लड़कियाँ बुलाते हैं, उनको यूज़ करते हैं। अगर वो लड़की कुछ भी करती है या उनके खिलाफ जाती है तो उनको इस तरह से दलदल में फंसा देते हैं और वहाँ पे आपकी सुनने वाला कोई नहीं होता। आपकी एक मिनट के लिए भी नहीं सुनी जाती कि आप इनोसेंट हो या आप क्रिमिनल हो। आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मुद्दा क्या है आपका? मेरा मेन मुद्दा यही है कि जो वीडियो डाला, सबसे बड़ा मेन मुद्दा यही था कि जो वीडियो है, क्योंकि उस वीडियो से ना बहुत सारी आजकल दुनिया कैसी है आपको पता है, पूरा सैटेलाइट है, एक से एक पहुंच जाता है। मेरे काम को भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है, मेरे जो दोस्त हैं उनको भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है, मेरी फैमिली को भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि डालने के लिए आपको सिर्फ 10 मिनट या मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे वो वीडियो, लेकिन वो वीडियो अगर किसी की ज़िंदगी पर डलता है ना तो बहुत कुछ इफ़ेक्ट करता है। जो वीडियो डाला है वो रॉन्ग है, आप प्लीज़ उसको देख के जज ना करें, वो एडिट वीडियो है। और आप सिक्के के एक पहलू को ना देख के पूरी जानकारी लें, किसी को भी, चाहे मैं हूँ चाहे वो कोई भी हो, किसी को इस तरह से जज ना करें। मैं बस वही बोलना चाहती हूँ और मेरे वजह से बहुत सारे लोगों को सर्वाइव करना पड़ा, उनके लिए सॉरी, मेरी फैमिली को भी बहुत सर्वाइव करना पड़ा। मैं वो चाहती हूँ कि वो वीडियो जल्द से जल्द यूट्यूब से हटे, क्योंकि मेरे करियर पे उसका और मेरे कैरेक्टर पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। तो हाल ही फिल्में कौन कौन सी की हैं? और भोजपुरी में मेरा अभी स्टार्टिंग था, मैंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया भोजपुरी में। एक मैंने यश जी के साथ मूवी की थी, एक रजाई दिल लगाई, और अभी रिसेंटली मैं पवन सर के साथ मूवी कर रही थी राजा मूवी, जिसमें मैं हीरोइन थी। बस वो पूरी मूवी हो गई है, अभी फिलहाल तो अभी इतना ही किया, अभी आगे देखते क्या होता है, भगवान जाने। भैया जी ये बताइए, वो लोग कौन लोग था, उनका नाम बताना चाहेंगे जिन्होंने आपको इस दलदल में फंसाने की कोशिश की? मैं नहीं, अभी नाम एकदम डायरेक्टली तो नाम नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि उनको उनकी सज़ा मिली, वो अभी जेल में है और फिलहाल आप वीडियो में भी देख सकते हैं, वो नेम मेंशन हुआ है, उसका फोटो भी मेंशन हुआ है। जो इस तरह से लड़कियों को बुलाता है, उसने मुझे सिर्फ मेरे साथ ऐसा नहीं किया, अदर भी बहुत पहले भी वो ऐसे केसेस में अंदर जा चुका है, लेकिन मेरे को वहाँ जाके पता चला कि कुछ लड़कियों ने सुसाइड कर लिया और कुछ ये है कि कुछ का तो पता नहीं, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ, मुझे इंडस्ट्री में काम करना है, इसके लिए मैं वो चीज़ें फेस करती हूँ। मैं जिस जगह गलत नहीं होती मैं कभी भी नहीं झुकती, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ये घटना कभी है? ये 2 मंथ्स पहले की है, 7th की, 7th जुलाई। लेकिन इतना लेट क्यों आप आ गए हैं मीडिया? क्योंकि मैं अभी बॉम्बे रिटर्न हुई हूँ, मैं अभी कम हुई हूँ, इसके बाद इसके लिए मैं आपके सामने अभी आई। आपने अनिल कपूर, सॉरी आपने पवन सिंह के साथ जो फिल्म की है, हाँ, आप कभी आपकी पवन सिंह से बात हुई इस मामले में? इस पूरे मामले के बाद पवन सिंह ने आपसे कुछ कहा या उन्होंने कहा कि हमको आपको विश्वास है, हम सपोर्ट करेंगे आपको, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, मेरी अभी उनसे कोई बात नहीं हुई, अभी फिलहाल मेरे को ज्यादा टाइम नहीं हुआ। मैं आई घर पे, पूजा वूजा थी, मैं थोड़ा लालबाग के दर्शन के लिए गई, थोड़ा माइंड अच्छा किया, अभी मेरी कोई बात नहीं हुई है। लेकिन आई होपली वो इंसान इतना टाइम से काम कर रहे हैं, उनको इतना पहचान है कि कौन बंदा कैसा है कौन सा नहीं है, तो आई होप, मैं बस यही दुआ करती हूँ कि उनकी तरफ से पॉजिटिव आंसर होगा,
और आई विश गणपति चाहे तो मैं उनके साथ दोबारा काम करूँ। इस पूरे वाक्य का आपके आपके जीवन पे, आपके मन पे कितना असर हुआ? बहुत असर हुआ। जब एक लड़की जान देने की सोच सकती है तो बहुत ही असर हुआ हुआ। लेकिन वो शुक्र हो ऐसी फैमिली का, शुक्र है ऐसे फ्रेंड्स का जिन्होंने मुझे इतना हौसला दिया कि आप फाइट करो उस चीज़ के लिए। वो एक जो वर्ड होता है ना, वो ज़िंदगी ख़राब कर देते एक लड़की की, क्योंकि लड़कों के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, छोटी छोटी चीज़ें लोग भूल जाते हैं, लेकिन लड़कियों की अगर कोई चीज़ होता है ना, वो पॉइंट ऑफ व्यू वो लाइफ टाइम तक वो चिपका हुआ रहता है। बस वो मैं वो चीज़ ख़त्म करना चाहती हूँ। कोई भी लड़की हो, सोच समझ के पहले तो शूट करो, आप जो गलती मैंने की आप मत करो। और जो लोग भी ये चीज़ लगा देते हैं कि नहीं, हाँ आप प्लीज़ वो चीज़ के बारे में इंक्वायरी करो, उसके बाद आप जज करो कि वो लड़की कैसी है कैसी नहीं है। प्लीज़ एक सवाल मैडम, कभी कभी क्या होता है कि फ्रेंड्स में कई केस ऐसा हो गए हैं कि ये केस को कोई अपनी पब्लिसिटी के तौर पे लेता है, नहीं सर ये पब्लिसिटी के लिए तो बिल्कुल नहीं है। मेरी लाइफ 2 महीने में ऐसा लग रहा था मैंने 2 साल निकाले हैं इतने दलदल से निकल के, ये पब्लिसिटी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरी पर्सनल लाइफ है जो खराब होने वाली थी लेकिन बच गई। अभी बस गणपति बप्पा का थैंक्स है, अभी उनके ही दिन चल रहे हैं, शायद इसके लिए खुशियाँ आ गई, रिटर्न आ गई मेरी लाइफ में। ये पब्लिसिटी के लिए बिल्कुल नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसके लिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ बस।